का जनादेश ये दिखा रहा है। तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आपने इतना समय दिया, हमारी बात हमेशा आपने पहुंचाई। और आज का जो एक प्रोग्राम जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो आज चार्जशीट इस सरकार के खिलाफ चार्जशीट या इनके विफलताओं का लेखा जोखा, ये जो 15 सवाल जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक चार्जशीट के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब इस बुकलेट के माध्यम से जो रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये इन सारे प्रश्नों को और इन सारे सवालों को लोगों तक, जैसा कि कहा गया कार्यक्रम में कि डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक लेके जाएंगे, हर तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अगले कुछ सप्ताहों में एक एक घर में हम ये विफलताओं के पुलंदे भी पहुंचाएंगे। दूसरी बात जो कही, मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का कि इसका कि इस डोर टू डोर कार्यक्रम में जो कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आया है, इसमें दूसरी बात इन्होंने कही कि ना सिर्फ हम हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट घर घर लेके जाएंगे और अपने संकल्प घर घर लेके जाएंगे जो पहले भी हम लेके जा चुके हैं, मगर लोगों से सुझाव भी लेंगे कि उनके क्षेत्र में या प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी क्या आशाएं और क्या उम्मीदें होंगी। लोगों से सुझाव लेंगे और उन सुझावों को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे, यानी कि जनता का मैनिफेस्टो, ये हमारा मैनिफेस्टो है, जनता का मैनिफेस्टो रखेंगे। मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी का मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो है कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये आदरणीय राहुल जी की ये एक सोच थी, उनकी भी इसमें उन्होंने इस बात को रखा था हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कि जो भी मैनिफेस्टोज बने उसमें ओपन लोगों के सुझाव के साथ वो मैनिफेस्टो और जनता के मैनिफेस्टो बने, जो अभी हमारे चार प्रदेशों के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। तो उस बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस डोर टू डोर कैंपेन में इसको भी जोड़ा है, तो इसका मैं धन्यवाद करता हूं, इसको लेके जाएंगे। और जो है मैं समझता हूं मैं स्वयं भी जितना हो सकेगा इस अभियान को जहां जहां भी जो मेरे को बुलाएगा, जहां पूरे प्रदेश में इस अभियान के माध्यम से ये चार्जशीट को और अपने संकल्पों को हर जगह पहुंचेंगे। और चुनाव का समय है, मैं समझता हूं कांग्रेस के तमाम नेतृत्व अब संकल्पित है, कोई घर बैठेगा नहीं, तो सभी लोग इसमें लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के लिए अच्छा नतीजा रहेगा। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष, कि वो भी अपना संबोधन आपको दें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी देवान जी और यहां पर उपस्थित पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सांसदगण, मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो इंचार्ज साहिबान बुलाए हैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सभी साथीगण, उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं व साथियों, बातें सारा कार्यक्रम बता दिया। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले हमारे अलग अलग चले और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से, 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए भाई क्या उनकी हमारे से उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, जो हम मैनिफेस्टो में डाल सकें जैसे अध्यक्ष जी ने कहा। तीसरा जो संकल्प ले हमने जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं वो भी घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग कि ठीक है इनने तो हरियाणा को पिछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में
नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आज दिवाला पिटने काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पिछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके मोटे मोटे 5 से 8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे, और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में डालने का करेंगे जो भी वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसी के लिए 14 तारीख को सोनीपत में चाहे पीसीसी के मेंबर हों, चाहे एआईसीसी के मेंबर हों, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे उसके सबके सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मैं को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा और लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो संकेत आए जो नतीजे से, वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की उन्होंने बनानी है। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हलकों में बीजेपी की वोटें कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ी है, 10 की 10 पार्लियामेंट, उसमें मेरे ख्याल में और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ है। वोट शेयर में भी आज सबसे ज्यादा हमारे पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। तो ये इस हिसाब से जो आया है तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलके होके, जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरे। और जो लेकिन इसमें 2005 का देखो आप, 2009 का देखो, हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, कोई भी बिंदु ऐसा बाकी नहीं जो हमने पूरा नहीं किया हो। और इनका घोषणा पत्र आप 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे चर्चा की पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन तो ये है ही इसमें, पॉलिटिकल करप्शन, जब 2019 में एक दूसरे को एक कह रहा था यमुना पार करो, एक कह रहा इनको कुछ करो, तो एक कह रहा था 75 पार, एक कह रहा यमुना पार, लेकिन जब स्वार्थ में दोनों हो गए, बन गए यार, कोई स्वार्थ की यारी थी ये, कोई जनहित की यारी नहीं थी, हरियाणा के हित की यारी नहीं थी, और वो साबित भी हो गया जब चुनाव के 6 महीने रहे, किस तरह डिपार्टमेंट आज एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं। ये मैंने पहले दिन कहा था, आपको याद होगा जब ये गठबंधन बना, पहला ही उन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसका चेयरमैन बनाया था किसको, अनिल विज जी को, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि था ही नहीं इनका कोई नीतिगत आधार ही नहीं था इनका, एक होना कोई नीतियों में कोई समानता ही नहीं थी। तो इस वास्ते उसी टाइम मैंने कहा था कि ऐसे गठबंधन खुद टूट जाया करते, याद होगा आपको, तो वही हुआ, साबित हो गया कि सिर्फ ये तो लूट का गठबंधन था। तो लूट का गठबंधन जो है वो हो गया, लोग इस बात को समझ चुके, चाहे अब ये धर्म का करे, चाहे जाति पाति करे, कुछ नहीं, सब समझ चुके हैं कि वोट लेने के हथियार हैं इनके, जनहित के नहीं है। तो कितने पोर्टल हैं, हम आप असेंबली में उठाते रहे हम, भाई ये पोर्टल खराब हैं, ये जन विरोधी हैं आपके, तो ये पूरे जोर शोर से डिफेंड करते रहे, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अब क्यों ये बैठा रहे हैं, क्यों 90% इनमें कमी आ रही है, किसी में 96% कमी आ रही है। अगर पोर्टल हर चीज पे गए पोर्टल, तो अगर पोर्टल इतनी चीज